दरभंगा में बड़ा फर्जीवार एसआई गिरफ्तार। जी हां, अवैध वसूली कर रहा था 8-9 महीने से, पुलिस के नाक के नीचे लूट मच रही थी दरभंगा शहर में, जहां एक फर्जी एसआई जो कि ट्रैफिक थाना का बता करके नो एंट्री एवं वन वे में खड़ा होकर के अवैध वसूली कर रहा था। आपको बता दे, आज पुलिस के हत्थे आखिरकार चढ़ ही गया। यह बड़ी खबर नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर चौक से निकल कर आ रही है, जहां फर्जी एसआई को पुलिस ने धर दबोचा है। दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने आज नगर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है कि एसआई के वेश में एक फर्जी पुलिस कर्मी जो कि लगातार अवैध वसूली कर रहा था, उसे धर दबोचा गया है। आपको बता दे, आज दिन के 11 बजे एक बड़ी फर्जीवाड़ा कर रहा था, उसे धर दबोचा गया है। दरभंगा में फर्जी एसआई धराया। नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में ट्रैफिकिंग के नाम पर अवैध वसूली करता था। आपको बता दे, अशोक कुमार साहू जो कि मधुबनी जिला के रहने वाला है, वह पुलिस के वेश में एसआई दरोगा बनकर लोगों को ठगता था। पुलिस का वर्दी पहनकर, हूबहू पुलिस का लुक रखकर, यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ फर्जीवाड़ा करते आ रहा था विगत 8-9 महीने में। जैसे ही यातायात थाना के थाना प्रभारी को इस चीज की सूचना मिली कि मिर्जापुर में कोई अवैध ढंग से एसआई दरोगा वसूली कर रहा है लोगों से, तब क्या दलबल के साथ यातायात थाना की पुलिस वहां पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब हमने उससे बात की कि आखिर आपने यह फर्जीवाड़ा किस तरीके से किया है, तो उसने बताया कि वह जब पुलिस की गाड़ी वहां से क्रॉस करती थी तो दुकान में जा छिपता था। वह 2-3 बार एसआई का एग्जाम दिया था, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था वो। तब क्या उसने पुलिस बन, पुलिस के नाक के नीचे ही वह बड़ी घटना को अंजाम दे रहा था, अवैध वसूली कर रहा था, लेकिन पुलिस को इस बात की भनक 8-9 महीने तक नहीं लगी। आज पुलिस को इस चीज की सूचना मिली, पुलिस दलबल के साथ पहुंची नगर थाने में। दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि मधुबनी जिले का रहने वाला अशोक कुमार साहू, उसे गिरफ्तार किया गया है। आगे की पूछताछ की जा रही है। फर्जी एसआई का आई कार्ड, अन्य दस्तावेज और एक बाइक भी जब्त की गई है। बाइक पर भी पुलिस लिखा हुआ था। आगे देखिए दरभंगा के सदर एसडीपीओ ने क्या कुछ कहा है और धराया फर्जी एसआई ने क्या कुछ बताया है। मामला यह है कि दरभंगा जिले के टाउन थाना क्षेत्र में मिर्जापुर चौक पर एक व्यक्ति ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। गुप्त सूचना मिलते ही नगर थाना की टीम वहां पहुंची और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। वह पूरे तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म में था और एसआई का रोल निभाते हुए, उसका फर्जी वाहन कर रचते हुए लोगों को रोककर ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर उनसे वसूली कर। सर, कितने दिनों से ये इस तरह का काम कर रहे थे, इसकी क्यों जानकारी मिली? उनसे पूछताछ की जा रही है, उन्होंने बताया पिछले कुछ महीनों से वैसा कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ बरामद हुई उनके पास? कुछ आई कार्ड्स हैं, साथ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आदेश टाइप के हैं। सर, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा दरभंगा शहर में इस तरीके से, और वो भी उस इलाके में जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इस तरह का अंजाम ये लोग दे रहे हैं? नहीं, उससे पूछताछ की कि उसने बताया कि जब भी वो किसी पुलिस गाड़ी को, गश्ती गाड़ी को देखता था तो आसपास के दुकानों में या कहीं और छिप जाया करता था। बड़ी चालाकी से ये खुद भी दरोगा एग्जाम के परीक्षार्थी भी रहा है, इसलिए तौर तरीकों से वाकिफ है। फिजिकल वगैरह का एग्जाम भी निकाला है इसने, ये सारे तौर तरीके इसके बने होने का तरीका जो था वो बिल्कुल। कहाँ का रहने वाला सर? ये मधुबनी जिले का रहने वाला है। कुछ आई कार्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। सर, इनके साथ और किसी का संलिप्तता दिखाई जा रही है क्या? नहीं, इस पर पूछताछ की जा रही है फिलहाल तो। सर, इनकी जानकारी, नाम वगैरह तो साझा किया जाएगा, तो उसमें कितनी ठीक। और किन किन जिलों में यह काम किया? अशोक कुमार का नाम हुआ, काम करते हैं फोन पे में जो भी कार्य था, तो 2500 रुपये का चरण कटेगा
ये आइडिया आया कैसे? एकदम तैयारी करते थे, दो बार तैयारी की थी, तीन बार एग्जाम दिया थे, दो बार मेंस निकल गया, मेंस में खड़ा गया, एक बार इस बार बैठे थे तो नतीजे नहीं निकला है, यूट्यूब से अकॉर्डिंग नहीं करते थे। कितने बार एग्जाम दे चुके हैं अभी तक? तीन बार। तीनों बार में मेंस में मेडिक में बन पाया। कितना कितना नंबर आया आपको? फर्स्ट बार 143 आया है, सेकेंड बार 170 आया है, घर के लोगों को क्या बताते थे कि आप इंस्पेक्टर हैं, क्या बताते थे? घर के लोगों को बताते थे, तो घर के लोगों को क्या बताते कि आप पुलिस विभाग में हैं? क्या लग रहा है जिस तरह का आप अभी काम हुआ पकड़ा गए हैं, आपको पुलिस ने कैसे पकड़ा? फिर आपको इस बात का डर नहीं था कि किस तरह से ये काम कर रहे, कभी न कभी पकड़ा जाएंगे? फिर अगर मान लीजिए आप दरोगा में फेल करेंगे तो और भी तो तैयारी थी, वो भी तैयारी आप कर सकते थे, पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, कहीं और भी प्राइवेट में भी जॉब कर सकते थे। तो सपना पूरा करने के लिए फर्जी दरोगा बन गया? ये भी करते थे, तैयारी भी करते थे। कहाँ घर है आपका, कौन थाना, पिताजी का नाम? अब तो आपका सपना टूटने वाला है, अब जेल चले जाइएगा तो अब क्या करिएगा? अफसोस हो रहा है इस बात का? क्या लग रहा है आप जेल से अब नई नौकरी खोजने हैं तो जेल में पढ़ाई वढ़ाई करना चाहेंगे? क्या चाहेंगे? कहाँ जेल में पढ़ाई करेंगे? चलिए ठीक है, थैंक यू।